फाइनली एंड्रॉयड पाई रोम अवेलेबल हो गया है लेनोवो जेड टू प्लस के लिए। और ये जो रोम है ये है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, ये है दूसरा एंड्रॉयड पाई रोम, क्योंकि पहला रोम जो था वो था नाइट्रोजन ओएस बट वो अनऑफिशियल था, ये ऑफिशियल है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जेड टू प्लस के लिए। यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 9 मिल जाता है और जो सिक्योरिटी पैच है वो है अगस्त का। ये बिल्ड अभी अल्फा में है तो काफ़ी अनस्टेबल बिल्ड है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये रोम इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो आगे और इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं इस रोम में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड तो जियो वोल्टी वो यहाँ पर इनकमिंग कॉल में ही वर्क करता है। अगर आप किसी को कॉल करते हैं आउटगोइंग कॉल तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करता है। मेक श्योर कि आप अगर जियो यूज़र हैं तो वो आप इस रोम को मत इंस्टॉल करिए अगर आप इन कॉल ज़्यादा करते हैं किसी को। एंड पहली मरतबा मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टॉक कैमरा ऐप यूज़ करिए जो कि आपको रोम में प्री इंस्टॉल मिलता है, क्योंकि जी कैम जो है वो यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं करता है, काफ़ी लैग होता है एंड पिक्चर जो है वो यहाँ पर अच्छी कैप्चर नहीं होती है, काफ़ी टाइम लगाता है एंड पोर्ट्रेट बहुत ही टाइम लगाता है। मैं काफ़ी इरिटेट हुआ हूँ इस जी कैम को यूज़ करके इस बिल्ड में, हो सकता है ये फर्स्ट बिल्ड हो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो, अपकमिंग बिल्ड में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। एंड जो परफॉर्मेंस है इस रोम की वो यहाँ पर एवरेज सी लगी मुझे, ना ज़्यादा मैं ख़राब कहूँगा ना ज़्यादा अच्छा कहूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मुझे लैग देखने को मिल रहा था पबजी में, जब मैं मीडियम ग्राफिक में खेल रहा था तो पबजी में भी काफ़ी लैग देखने को मिला। एंड जब मैं डेली यूज़ करता लाइक व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर तो वहाँ पर भी मुझे हल्का सा लैग देखने को मिला था। एंड जो अभी ये फर्स्ट बिल्ड है मैं कह रहा हूँ आगे हो सकता हो कि इस रोम में काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि ये अभी एक अनस्टेबल बिल्ड है इस वजह से यहाँ पर इस तरह की इशू है। एंड यहाँ पर जो हीटिंग इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है, इवन 45 to 53 डिग्री सेल्सियस ये टच कर जाता है। मैं क्या बोलूँ, मैं काफ़ी इरिटेट हुआ हूँ इससे। यहाँ पर हीटिंग इशू में आपके तो रोटियाँ बन सकती हैं इस फ़ोन से, इतना हीट करता है ये। बैटरी की बात करें तो बैटरी लाइफ वो यहाँ पर इस रोम में मैं कहूँगा डिसेंट सी बैटरी लाइफ थी। बैटरी लाइफ मुझे तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाती थी। मैं हेवी गेम्स खेल रहा था इस फोन में, तो अगर आप पबजी खेलते हैं लाइक कंटिन्यूसली तो आपका 2 से 3 घंटे आपके स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगी। अगर आप कैजुअल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 से 4.5 घंटे की स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगी। एंड मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बैटरी जो ड्रेनिंग इशू है, स्टैंड बाई ड्रेनिंग इशू, वो यहाँ पर उतनी नहीं थी। स्टैंड बाई भी बैटरी लाइफ का वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। मैं बैटरी मैनेजर को ऑन कर दिया था देखने के लिए क्या ये बैटरी को इम्प्रूव कर पा रहा है या नहीं बैटरी लाइफ को, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे रोम में। एंड एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो वो है यहाँ पर 1,61,166। एंटूटू बेंचमार्क स्कोर डजेंट मैटर, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो आपका तो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन में रोम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो, बैटरी लाइफ अच्छा नहीं हो, गेमिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर बस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत लोग चाहते हैं कि मैं एंटूटू बेंचमार्क स्कोर दिखाऊँ, इस वजह से मैं करता हूँ। एंड जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर वर्क नहीं करता है। अब वर्क कैसे करें, अगर आप इस लॉक इट स्क्रीन ऑफ ऐप को डाउनलोड करके एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो वर्क करने लगेगा। ये कभी कभी वर्क करता है, एवरी टाइम वर्क नहीं करता है, 100 में से मैं कहूँगा 90% टाइम ये कर जाता है काम, बट 10% ये फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। एंड फिंगरप्रिंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव मिल जाता है आपको। कस्टमाइजेशन के मामले में पिक्सल रोम में उतने कस्टमाइजेशन नहीं मिलते हैं आपको पता होगा, बट यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं इस पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में। तो यहाँ पर ये है एंड्रॉयड पाई का न्यू जेस्चर बेस्ड सिस्टम जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है इस Z2 Plus में। और जो सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर
आपको कुछ मिनिमल कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। जब आप डिस्प्ले में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको अडेप्टिव थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये अडेप्टिव थीम है, मेक श्योर पूरा थीम आप कस्टमाइज नहीं कर सकते इस पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम में। एंड डिजिटल वेलबिंग वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। डिजिटल वेलबिंग मैं एंड्रॉयड पी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ एंड्रॉयड पी के कुछ फीचर्स के ऊपर एंड यहाँ पर आपको कुछ जेस्चर मिल जाता है। तो मैं एंड्रॉयड पी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ एंड्रॉयड पी के नए फीचर्स के बारे में। और ये था एक एंड्रॉयड पाई रॉम, पहला एंड्रॉयड पाई रॉम इस चैनल पे। तो हो सकता है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।